सामने दिख रहा होगा अभी आपको, ठीक है, ये प्रॉपर वैष्णो माता का मंदिर जैसे बना हुआ है। हाँ जी, स्वागत है आपका गीता जयंती महोत्सव में, और मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ वैष्णो माता का मंदिर बना हुआ है। प्रॉपर ऐसा सेटअप बना हुआ है जैसे वैष्णो माता मंदिर बना रखे है ना, जैसे वैष्णो माता कटरा में है और केदारनाथ है, तो प्रॉपर मैं आपको ऐसे दिखाने वाला हूँ जो कुरुक्षेत्रा गीता जयंती में लगा हुआ है। प्रॉपर ऐसे ही सेटअप बना रखा है, आपको विजिट कराऊंगा मैं आज। और इसकी एंट्री फीस है 20 रुपये, और उसके बाद आप उधर जाओगे मंदिर की एंट्री फीस है 50 रुपये, और दूसरे मंदिर की एंट्री फीस भी बताऊंगा, ठीक है। अभी टिकट लेते हैं यहाँ से, और उसके बाद वहाँ पे जाके जो मंदिर होगा वहाँ पे जाके आपको विजिट कराऊंगा प्रॉपर, जैसे वैष्णो माता का मंदिर है प्रॉपर ही ऐसे बना हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड मंदिर की तरफ चलते हैं। मित्रा तो भाई 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 टिकट ले आए 20 रुपए की, और भीड़ देखो, रश देखो, रश, ठीक है। और प्रॉपर अभी अंदर जाके आपको दिखाने वाला हूँ, बहुत सारा रश है, बहुत सारा भीड़ है, रश है, ठीक है। मतलब मैं एक ही शब्द बार बार बोल रहा हूँ, भाई टिकट वाले आके आ जा, तो देख सकते हो। कर ली एंट्री इतनी भीड़ के बाद, और उसके बाद अभी आपको वहाँ पे लेके चलने वाला हूँ जो वैष्णो माता का मंदिर है, ठीक है, वहाँ पे दिखाऊंगा, क्योंकि ये मैं सारा एरिया कवर कर चुका हूँ। अभी बेसिकली मेन पर्पज़ है वैष्णो माता के मंदिर जाना, जो बहुत मेहनत से बनाया हुआ है इन्होंने, ठीक है, तो वो दिखाना मेन पर्पज़ है मेरा, क्योंकि बाकी तो मैं वीडियो प्रॉपर बना चुका हूँ। और इस साइड जो है ना, इस साइड सारा प्रॉपर वैष्णो माता का मंदिर है, तो वो मेन चीज़ है, तो वो दिखाऊंगा आपको, और वो पूरी वीडियो में देख लेना आप, ठीक है, वो देखते हैं। शायद गाने वाने भी चल सकते हैं, भेंटे चल सकती हैं, तो शायद आपको आगे वॉइस डब मिले मेरी, मतलब वॉइस डब करूँगा मैं। और सामने मंदिर दिख रहा है मुझे, ठीक है, वहाँ की तरफ चलेंगे, और क्योंकि शायद अगर भेंटे चली मंदिर में तो मैं बोल नहीं पाऊँगा, क्योंकि कॉपीराइट वगैरह का सीन होता है यूट्यूब पे, ठीक है। तो वहाँ पे चलते हैं और आपको दिखाना शुरू करता हूँ। क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सो भाई ये भाई मिले मिलने में, ठीक है, और इंजॉय कर रहे हैं सब अपनी फैमिली के साथ, तो अभी चलना शुरू करते हैं। चलो अभी आपको अंदर जाके दिखाऊंगा, इसकी एंट्री 50 रुपये है। अंदर शायद भेंटी वगैरह चल रही होंगी, तो मैं बाद में वॉइस डब कर दूंगा, तो अंदर जाके विजिट कर लेना। अभी हम विजिट करने वाले अंदर वैष्णो माता के मंदिर में, तो अंदर जाके आपको विजिट करके दिखाऊंगा अभी प्रॉपर, ठीक है। ये है टिकट गाइस, जो है 50 रुपये की। यहाँ होते हैं जूते जमा। हाँ जी, आप देख सकते हो सामने कितना भव्य मंदिर बना रखा है, जैसे वैष्णो माता पर चढ़ाई करते हैं सेम एज इट इज़ आपको यहाँ पे चढ़ाई करनी पड़ेगी, और ऊपर जाके प्रॉपर मंदिर होगा। रास्ते में आपको बहुत सारे शिव जी भगवान और हनुमान जी की मूर्तियाँ वगैरह सब मिलेगी, आपको दिखाऊंगा प्रॉपर। अभी ऊपर चलते हैं हम, डायरेक्ट यहाँ पे शूज निकाल दिए, नीचे पहुँच चुके हैं वैष्णो माता के मंदिर। हाँ जी, यहाँ से एंट्री है, ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से ऊपर जाना है हमें, ठीक है, पूरा यात्रा करनी है, जैसे वैष्णो माता पर यात्रा करते हैं हम, चढ़ाई करते हैं 10-11 किलोमीटर की, तो यहाँ से एंट्री है, यहाँ से फर्स्ट स्टेप है, यहाँ से आप चढ़ाई करनी है, आपको सामने देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। तो बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही मेहनत से बनाया हुआ है ये, और आसपास का माहौल भी, मतलब इन्वायरमेंट सेम ऐसा है जैसे वैष्णो माता पे होता है चढ़ाई करते समय, मतलब लोग जयकारे भी लगा रहे थे, जय माता दी जय, बहुत अच्छा माहौल था, और आपको मतलब फील बहुत अच्छी आएगी ऐसे, मतलब कि हाँ आप जा रहे हो वहीं वैष्णो माता ही, और चढ़ाई कर रहे थे हम, तो हमें काफ़ी अच्छा लग रहा था, फील हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और तो आप विजिट करें, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कितना, मतलब आपको यार बहुत मज़ा आएगा यहाँ पर आके ना, क्योंकि हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ मतलब एक तरह से मेले में आए हुए हैं, लेकिन हम अगर कटरा या वहाँ वैष्णो माता की जो ओरिजिनल है वहाँ पर पहाड़ों में है ना, वहाँ नहीं जा पा रहे, तो यहाँ पर हमें हमारे कुरुक्षेत्र में इतना भव्य शानदार मतलब वैष्णो माता के मंदिर वाली फील पूरी है। आप देखो हम फर्स्ट उस पर चढ़ चुके हैं आपके सामने, और सामने बजरंग बली जी बैठे हुए हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छी फीलिंग है ये, आप देख पा रहे होंगे, और सामने बजरंग बली जी की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है, ठीक है। और अभी अगली सीढ़ियों पे चलते हैं,
यहाँ पे हमने माथा टेका गाइस, ठीक है। माथा टेकने के बाद फिर उसके ऊपर एक और स्टेप है। अब यहाँ से व्यू देखो नीचे कितना, मतलब झूले वगैरह कितना अच्छा व्यू आ रहा है इस टाइम यहाँ पर। और बहुत मतलब फैमिली के साथ सब आए हुए हैं यहाँ पे, तो स्पेशली आए हुए हैं। और जिस हिसाब से एंट्री फीस है 50 रुपये, तो ज़्यादा ज़्यादा महंगी नहीं लगी मुझे, मतलब क्योंकि मेहनत बहुत लगी है बनाने में। मैंने बात भी की थी, वो वीडियो नहीं बनाई, बहुत मेहनत लगी है बनाने में, ठीक है। एक डेढ़ मतलब 2-2.5 महीने से ज़्यादा समय लगा इसको बनाने में पूरा प्रॉपर। तो आप देख सकते हो यार कितनी मेहनत से ऊपर सेटअप खड़ा किया है, और फैमिली के साथ लोग आए हुए हैं, और इसके ऊपर वाले स्टेप में मतलब सेकंड जो चढ़ते हैं हम, ठीक है। और ये देखिए मतलब हनुमान जी विराजमान है यहाँ पर, तो उनकी मूर्ति है, विशाल मूर्ति है। तो यहाँ पर अच्छी फीलिंग है, अच्छी वाइब है, जिसको बोलते हैं ना कि माहौल है, वाइब है, मेले वाली वाइब भी है और दर्शन वाली वाइब भी है। तो हमने इनके सामने सिर झुकाया और फिर हम उसके ऊपर चल दिए। अब देखो यहाँ से नीचे की तरफ देखना कितना अच्छा व्यू दिखेगा आपको। और यहाँ पर मतलब देखो पूरा सेटअप कितना अच्छा है यार, मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आई। तो यहाँ पर आकर ये मैम थे यहाँ पर, ठीक है, जो पूरे माथे पर तिलक लगा रहे थे मंदिर ये यहाँ पर, ठीक है। और गुफा भी बना रखी है गाइस, देखो सामने मूर्ति है, तो यहाँ पर गुफा भी बनाई हुई है इन्होंने। मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे चल के। इन्होंने टीका वगैरह लगाया हमारे, ये देखिए ये मैम टीका वगैरह लगा रहे हैं, जो भी भक्त आ रहे हैं यहाँ पर। और तो हमारे भी टीका लग चुका है, इन्होंने टीका लगाया बहुत अच्छा। हमने इनसे बात भी की, पूछा कि कितना कितना मेहनत लगी बनाने में, क्या कुछ रहा, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमें रेफरेंस ज़्यादा मिलता है, हम बात भी कर रहे थे इनसे कि हाँ जी कैसा रहा, कैसा नहीं, और कैसे बनाया, कितनी मेहनत लगी। फिर इन्होंने बताया गुफा भी है प्रॉपर, जैसे गुफा में जाते हैं वहाँ पे वैष्णो माता के मंदिर में। तो अभी हम गुफा के अंदर चलेंगे, ठीक है। ये लास्ट स्टेप है, मतलब स्टेप इन द सेंस मैं कह रहा हूँ कि इसके बाद सिर्फ गुफा है। आपको 3 बार मतलब 3 बार ऊंचाई पे चढ़ना है, फिर गुफा आ जाएगी। गुफा के अंदर एंट्री करते हैं अभी, और आपको प्रॉपर दिखाना शुरू करता हूँ गुफा। इनसे हमने काफ़ी देर बात की और अच्छा लगा इनसे बात करके, क्योंकि ऑब्वियसली हम ब्लॉग्स वगैरह बनाते हैं तो हमें रेफरेंस मिलता है ज़्यादा, और लोग बात करने में इंटरेस्टेड होते हैं, उनको भी अच्छा लगता है बात करना, और हमें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बात करना। तो अब ये गुफा है, देखो यहाँ पे शेरावाली माता की मूर्ति है, और यहाँ पे हमने माथा टेका, उनके आगे शीश झुकाया, और उसके बाद फिर हम आगे निकल पड़े गुफा की तरफ। और आप देखो ये प्रॉपर गुफा बना रखी है, ये देखिए यहाँ पर भी है। और मतलब बहुत अच्छा फील था, मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि हम वहाँ पे वैष्णो माता मंदिर नहीं आए, तो वही सेम फील था मेरे लिए तो। और यहाँ से व्यू देखो नीचे झूले वूलों का, और ये गुफा प्रॉपर बना रखी है इन्होंने, ठीक है। और यहाँ पर लोग आ रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, तो आप भी विज़िट करें, और आप देख ही पा रहे होंगे यार कितना अच्छी गुफा है। अच्छी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैंने इसको टच किया तो ये मतलब प्रॉपर दीवार नहीं है, बहुत अच्छे मटेरियल से, हार्ड मटेरियल से इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। और बहुत मेहनत लगी होगी, मैं समझ पा रहा हूँ इनकी फीलिंग की कितनी मेहनत लगी होगी ये बनाने में। तो आप प्रॉपर विज़िट करना, देखो ये प्रॉपर ऐसी गुफा बना रखी है आसपास, तो बहुत अच्छा फील आएगा आपको, एक बार विज़िट करना। और ये हम अब नीचे की तरफ उतर रहे हैं, सामने झूले दिख रहे होंगे आपको, और बहुत मज़ा आ रहा है यार। तो अभी देखो हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं, और नीचे की प्रॉपर ये वाले ऐसे नीचे ढलान है, और पीछे हमारा भाई आ रहा है जो हिसार से स्पेशल आया था विज़िट करने। और नीचे देखो आप व्यू कितना शानदार है। सो गाइस हम अब नीचे की तरफ उतर रहे हैं, और प्रॉपर आपको पूरी फील आएगी। आप तो आप विज़िट कर लेना यहाँ पर वैष्णो माता के मंदिर, और नीचे देखो आप कितनी ऊँचाई पर हैं इस टाइम हम, और आपको पूरी मज़ा आएगा, मतलब फील आएगा आपकी हाँ हम वैष्णो माता के मंदिर आए हैं। तो आपको कुछ भी पूछना हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और नीचे देखो कितनी हाइट पे खड़े हैं हम, यहाँ से लोग जा रहे हैं, तो सेटअप है ये पूरा, ठीक है। बहुत ट्रैफिक जाम है, चक्का जाम है कुरुक्षेत्र में इस टाइम, क्योंकि बहुत आसपास से लोग आए हुए हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियोज़ देखने के लिए। कुछ भी पूछना, इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करके, आपका ही चैनल है, सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो सर। थैंक यू सो मच।